हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो यहाँ पे सिमिलरिटी का और एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन नंबर 21 से इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि 8 क्वेश्चंस वगैरह है इस वीडियो में तो ठीक ठाक समय लगेगा। बाकी जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 21 से इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21। देखो, ए डी एंड बी आर टू मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्टिंग एट जी और डी एफ पैरेलल बी। ठीक है, डी एफ कहाँ है तो डी एफ ये वाला हो गया, ये पैरेलल है किसका तो बी का पैरेलल है। ठीक है, ए डी एंड बी आर टू मीडियन। देखो ए डी ये वाला मीडियन है, इसका मतलब कि ये बी डी किसके बराबर होगा तो डी सी के बराबर होगा। एंड बी ई भी मीडियन है तो बी ई कहाँ है तो बी ई ये वाला है, इसका मतलब इधर से ए ई और इधर से ये पूरा ई सी। ठीक है, पूरा ई सी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। वैसे मीडियन मेरे फिगर में नहीं दिख रहा होगा, बाकी अगर आप बुक्स का फिगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको मीडियंस ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी एफ बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी ई निकालना है। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है थोड़ा उनको लिखते हैं, फिर आगे चलेंगे हम लोग। क्या क्या दे रखा है तो ए डी मीडियन है, ए डी इज ए मीडियन, ए डी मीडियन है। तो मीडियन का काम है कि जो बेस साइड है उनको दो बराबर भाग में डिवाइड करना। तो यहाँ पे ये ए डी मीडियन हो गया। ठीक है, तो इधर से बी सी को, ये पूरा बी सी को क्या करेगा, दो बराबर भाग में बांटेगा। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। ठीक है, बी डी बराबर डी सी, ये पहला हो गया। और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है, तो और बी ई भी मीडियन है, तो एंड बी ई इज ए मीडियन। ठीक है, तो बी ई अगर मीडियन है तो फिर से ये वाला आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया ये बी ई। तो मीडियन क्या करेगा, इस पूरे ए सी साइड को दो बराबर भाग में बांटेगा। ठीक है, तो ए ई किसके बराबर हो जाएगा, इधर से ईसी के बराबर हो जाएगा। तो ए ई बराबर ईसी। ठीक है, ये दो हम लोग निकाल लिए जो गिवन दिया हुआ था। ठीक है ना, ठीक है। और पैरेलल दे रखा है तो वो हम लोग देख ही लिए हैं कि ये बी ई किसके पैरेलल में है तो डी एफ के पैरेलल में है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एक को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी एफ बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी ई। सी डी एफ कहाँ पे है तो सी डी एफ ये वाला ट्राइंगल है, सी डी एफ ये वाला हो गया। ठीक है, और सी बी ई, सी बी ई अच्छा ये वाला पूरा ट्राइंगल है। देखो ये वाला इधर से चलेंगे तो ये पूरा ट्राइंगल सी बी ई, तो इसमें चलना है। चलो इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे, उनके बाद ही हम लोग एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो ए नंबर कौन कौन सा ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल सी डी एफ एंड ट्राइंगल सी बी ई। ठीक है, इसी ट्राइंगल में देखो ये वाला लाइन एक में आ रहा है बी ई, बी ई और सी डी एफ में ये वाला डी एफ आ रहा है। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल दे रखा है, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, बी ई पैरेलल डी एफ। ठीक है, इतना कर दिए। चलो देखो, तो ये वाला एंगल सी दोनों ट्राइंगल में है ना, चाहे सी डी एफ में चले या फिर सी बी ई में चले, आपको फिगर दिख रहा होगा ये एंगल सी दोनों में आ रहा है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कॉमन। ठीक है, उसके बाद देखो ये बी ई पैरेलल दे रखा है किसका तो डी एफ का पैरेलल है, इसका मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, तो एंगल सी बी ई क्या हो जाएगा, एंगल सी बी ई, और ये बराबर हो जाएगा किसका तो ये वाला एंगल। इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, सी डी एफ, एंगल सी डी एफ। क्यों बराबर होगा तो कोरेस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, क्योंकि ये डी एफ किसका पैरेलल था तो बी ई का पैरेलल था,
इसीलिए एंगल सी बी ई बराबर हो जाएगा एंगल सी डी एफ का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो एंगल्स को बराबर कर दिए, इसका मतलब ट्रायंगल सी डी एफ सिमिलर हो जाएगा किसका, तो एंगल एंगल ने ट्रायंगल सी बी ई का। ठीक है, किससे किससे, तो एंगल एंगल से। चलो यहाँ से सिमिलर कर दिए, तो अब हम लोग यहाँ से एरिया ले सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले लेंगे, सी बी ई बराबर एरिया निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है। तो हम लोग को पता है कि एरिया का रेशियो निकालने के क्या करते हैं, तो उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के बाद साइड का रेशियो लेके स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इतना पता है। अब साइड का रेशियो इसमें क्या क्या लेंगे, थोड़ा हम मिटाते हैं यहाँ से फिगर को, तो समझ में आएगा किसको किसको ले रहे हैं। चलो इसको किसको लेंगे, देखो कुछ पता वगैरह है हमें क्या, तो इसमें देखो हमें ये पता है ये वाला बी डी किसके बराबर है, तो डी सी के बराबर है, ये हमें पता है ना। चलो बड़े वाले में क्या करेंगे, तो ये पूरे बी सी ले लेंगे, और छोटे वाले में क्या ले लेते हैं, तो ये वाला डी सी ले लेते हैं, ये दोनों साइड एक दूसरे का कोरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो सी डी एफ में क्या ले लेंगे, डी सी बाय बड़े वाले में क्या ले लेंगे, तो उधर से बड़े वाले में बी सी आ जाएगा। ठीक है, डी सी का कोरेस्पॉन्डिंग में क्या होगा, बी सी होगा, तो यहाँ से बी सी ले लिए, इनका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो ये डी सी, डी सी क्या था, तो डी सी बी डी के बराबर था, ये दोनों आपस में बराबर है ना, यहाँ पे देखो बराबर दिखाए हुए भी है, तो बी डी और डी सी आपस में बराबर है, इसका मतलब ये डी सी जो होगा, डी सी जो होगा वो तो पूरे का आधा होगा ना, बी सी बाय टू पूरे का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला बी डी और ये वाला डी सी आपस में बराबर है, इसीलिए बी सी का आधा क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, तो डी सी बराबर क्या आ गया, बी सी बाय टू, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी सी बाय टू, और नीचे में क्या है, तो नीचे में बी सी लिखा हुआ है, इनका होल स्क्वायर, ये बी सी खत्म हो गया, यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 1/4। समझ में आया, समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये ए नंबर आपका बन गया, और अब बी नंबर में चलते हैं, थोड़ा हम यहाँ पे इसको मिटाते हैं, क्योंकि नीचे बनाएंगे तो फिर बार बार नीचे ऊपर जाना पड़ता है, इसलिए हम इसको मिटा के यहीं पे बनाते हैं, बाकी जिनको लिखना है तो वो वीडियो पॉज करके आराम से लिख लो। चलो बी नंबर में अब चलते हैं। ठीक है, देखो बी नंबर में क्या निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई बाय एरिया ऑफ ट्रेपिजम जी डी एफ ई। ठीक है, ए जी ई देखो ये वाला ट्रायंगल है, और जी डी एफ ई ये वाला ट्रेपिजियम है, क्योंकि ये वाला और ये वाला पैरेलल है, इसीलिए जी डी एफ ई क्या हो जाएगा, ट्रेपिजियम हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है। देखो इनको बनाने के लिए हमें कुछ जरूरत पड़ने वाला है, पहले वो रिजल्ट निकालना होगा तभी हम इसको बना पाएंगे। ठीक है, तो पहले उसको निकालते हैं, फिर हम लोग बी नंबर को बनाएंगे। देखो नीचे में एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे, तो देखना हम यहाँ पे इसमें ब्लू पेन से टिक कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, देखो ये वाला ट्रायंगल इधर से लेंगे और ये वाला, ठीक है, और इधर से ये वाला, और साथ ही साथ ये वाला साइड और ये वाला साइड भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसको हम थोड़ा नीचे ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखना है। देखो जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक बी नंबर नहीं बनेगा, वहां से एक रिजल्ट आएगा। ठीक है, उस रिजल्ट को पहले निकालेंगे तभी बी नंबर बनेगा। क्या क्या दे रखा है, तो ये वाला बी पॉइंट है, ये वाला ई पॉइंट है, ये वाला एफ पॉइंट है, ये वाला डी पॉइंट है, और ये वाला सी पॉइंट है, और ये बी ई पैरेलल दे रखा है डी एफ का। ठीक है, देखना इस ट्रायंगल में ध्यान से देखना, और देखो यहाँ पे बी डी बराबर है किसका, तो डी सी का बराबर है, ये वाला बी डी और डी सी बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऊपर में देखो यहाँ लिखा हुआ है बी डी बराबर डी सी। ठीक है, यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में अगर देखें तो बी ई पैरेलल है किसका, तो डी एफ का पैरेलल है। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल है,
तो यहाँ से अगर हम बाय बीपीटी लगा दें, बाय बीपीटी का मतलब क्या हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो यहाँ से बाय बीपीटी, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखना, इधर से देखो सी डी ले रहे हैं, सी डी बाय, ठीक है, इधर से क्या लेंगे तो बी डी लेंगे, सी डी बाय बी डी बराबर, इधर से क्या हो जाएगा सी एफ, सी एफ बाय, इधर से क्या ले लेंगे ई एफ, ठीक है, ये बीपीटी से रेशियो हमने निकाल लिया। और यहाँ पे देखो सी डी बराबर क्या निकाले हैं, बी डी निकाले हैं, ये बी डी और सी डी क्या है आपस में बराबर है, ठीक है, तो ये वाला सी डी और ये वाला बी डी आपस में बराबर है, तो ये कट गया, कट के इधर कितना बचेगा वन, वन बराबर क्या आ गया सी एफ बाय ई एफ, ठीक है, यहाँ से एक काम करो क्या लिख सकते हैं, तो सी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं ई एफ लिख सकते हैं, ठीक है, ई एफ बराबर क्या आ गया ई एफ आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना ई एफ बराबर ई एफ, देखो हम लोग क्या निकाल लिए, तो हम लोग निकाल लिए सी एफ बराबर क्या आ गया ई एफ, ठीक है, ठीक है, ये वाला रिजल्ट निकाल लिए। ऊपर में थोड़ा ध्यान से देखो, अब ऊपर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए ई बराबर क्या है, तो ए ई बराबर ई सी है, कहाँ से लाए थे ये आपको पता होगा अगर स्टार्टिंग से आपने वीडियो देख रहा है तो, ठीक है, ये ए ई बराबर क्या है ई सी है। अब यहाँ से देखना ये वाला पूरा लेंथ ई सी है, ये वाला पूरा लेंथ क्या है तो ई सी है, ठीक है, ई सी को क्या लिख सकते हैं, देखो ई सी को यहाँ से देखो इस वाले में ई सी ये पूरे है ना, ई सी को क्या लिख सकते हैं, तो ये वाला ई एफ प्लस क्या लिख सकते हैं एफ सी लिख सकते हैं, तो ई सी बराबर ई एफ प्लस एफ सी। एक काम करते हैं इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, और इसको क्या मान लेते हैं थर्ड मान लेते हैं, क्योंकि जरूरत वगैरह पड़ेगा तो फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड फ्रॉम थर्ड लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो ई सी किसके बराबर है, यहाँ पे देखो दो वाले में, तो ई सी ए ई के बराबर है, यहाँ पे क्या लिख दो ई सी की जगह में ए ई लिख दो बराबर, ठीक है। आगे देखो ई एफ और एफ सी, देखो यहाँ पे ई एफ इक्वेशन तीन में देखो ई एफ बराबर क्या है, तो एफ सी है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, ठीक है, यहाँ से ई एफ ही रहने दो, प्लस एफ सी की जगह में क्या लिख सकते हैं, तो ई एफ लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, तो यहाँ से देखो ए ई बराबर क्या आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे टू ई एफ, ठीक है, तो यहाँ से ई एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ई एफ बराबर लिख सकते हैं ए ई बाय टू, ठीक है, चलो इसको क्या बोल दो, इसको इक्वेशन फोर बोल दो, यहाँ तक हम लोग कर लिए, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अब इनका जरूरत नहीं पड़ने वाला है, तो अब हम लोग बी नंबर में चलेंगे और बी नंबर में बनेगा अब, ठीक है, क्योंकि इन सब का जो भी हम लोग निकाले इनका यूज होने वाला है। चलो ध्यान से देखना है बाबू, तभी समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल वगैरह काफी अच्छा सब दे रखा है, ठीक है। चलो देखो बी नंबर में क्या निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई बाय एरिया ऑफ ट्रेपिजियम जी डी एफ ई, ठीक है, यहाँ पे देखो हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल, तो देखो देखो हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर से ले लेते हैं ए डी एफ, ए डी एफ बाय इधर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई, ठीक है, फिगर में दिख रहा होगा कौन कौन सा ट्रायंगल है, तो ए डी एफ, ए डी एफ ये वाला ट्रायंगल हो गया पूरे, और ए जी ई कौन सा हो गया, तो ए जी ई ये वाला छोटा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। चलो ए डी एफ में क्या करो, ये वाला पूरे साइड ले लो, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा वैसे, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, हम सिमिलर प्रूफ नहीं किए, तो आप चाहो तो सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, उसके बाद ये रेशियो लिखना है, ये तो हम ही कर देते हैं पहले सिमिलर प्रूफ, क्योंकि पहले सिमिलर ही करना चाहिए तभी एरिया का रेशियो लेना चाहिए, ठीक है, चलो पहले सिमिलर करते हैं इसी दो ट्रायंगल्स को,
इसमें किसमें चलेंगे, तो बी नंबर का ही है, इन ट्राइंगल ए डी एफ एंड ट्राइंगल ए जी ई। ठीक है, देखो ये वाला जी ई, ये वाला जी ई और इधर से ये वाला डी ई क्या है, पैरेलल है, तो जी ई क्या हो जाएगा, पैरेलल डी एफ का। ठीक है, देखो एंगल ए दोनों में आ रहा है, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल में है। उसके बाद हम एक यहाँ पे एंगल दिखा रहे हैं, थोड़ा इसको मिटाते हैं पहले। देखो ये वाला एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में जब जाएंगे तो ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये और ये मतलब जी ई और डी एफ क्या है, पैरेलल है, इसीलिए एंगल ए जी ई, क्या बोले, एंगल ए जी ई बराबर हो जाएगा एंगल ए डी एफ का। ठीक है, ए डी एफ ये वाला एंगल हो गया, क्यों बराबर होगा, तो कोरेस्पोंडिंग एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, चलो यहां से क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल ए डी एफ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए जी ई का, किधर से, तो दोनों एंगल यूज कर रहे हैं, तो एंगल एंगल से। ठीक है, सिमिलर कर दिए, अब यहां से क्या करेंगे, तो रेशियो ले लेंगे। अब रेशियो लेने में कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर प्रूफ करने के बाद ही रेशियो लेते हैं। चलो यहां से क्या करेंगे, अब रेशियो ले लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई बराबर, देखो ए डी एफ बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो ए डी एफ में क्या लेंगे, तो ये वाला ए एफ लेंगे, ये वाला क्या लेंगे, ये वाला बड़ा ए एफ। ठीक है, चलो ए एफ ले लिए, बाय नीचे में ए जी ई है, ए जी ई ये वाला छोटा लेंगे, ये वाला ए ई हो जाएगा उसके क्रोस्पॉन्डिंग में। ठीक है, तो ए ई और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बराबर। अब देखो, अब ध्यान से देखना, नीचे में क्या आ गया है, ए ई, और ऊपर में क्या आया है, तो ए एफ आया है। ठीक है, ए एफ कहाँ है, ये वाला ए एफ है। ठीक है, ठीक है, ए एफ आ गया है ना, ए एफ को देखो क्या लिख सकते हैं, तो ए एफ को लिख सकते हैं ये वाला ए ई प्लस ई एफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ए एफ को, ध्यान से सुनना, ए एफ को ये पूरे ए एफ है, ये वाला पूरे ए एफ है। ठीक है, ए एफ को क्या लिख सकते हैं, रुको रुको एक सेकंड, हम थोड़ा इसको मिटा देते हैं, फिर नजर पड़ेगा, तो क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड सब दे रखा है, तो आराम आराम से करके समझेंगे तभी समझ में आएगा, ये वाला पूरे ए एफ है। ठीक है, और ए एफ को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए ई यहाँ तक हुआ, और प्लस प्लस क्या लिख सकते हैं, तो ये वाला ई एफ लिख सकते हैं ना, तो वही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ए एफ को क्या लिख सकते हैं, तो ए ई प्लस ई एफ बाय, नीचे में क्या है, तो नीचे में देखो ए ई है, तो ए ही रहने देंगे, इनका होल स्क्वायर बराबर। अब ध्यान से देखना, ए ई को ए ई ही रहने दो, प्लस ई एफ, ई एफ देखो यहाँ पे इक्वेशन 4 में क्या निकाल लिए हैं, तो ए ई बाय 2 निकाल लिए हैं, ई एफ बराबर क्या निकाले हैं, ए ई बाय 2, और यहाँ पे क्या करो, ए ई बाय 2 रख दो, और बाय ए ई। ठीक है, इनका होल स्क्वायर। ठीक है, चलो ऊपर में देखो 2 है, तो यहाँ से 2 कोमा एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ए ई प्लस ए ई, और फिर नीचे में एक ए ई दे रखा है, और इनका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से फिर देखो क्या हो जाएगा, तो 2 ए ई प्लस ए ई कितना हो जाएगा, ऊपर में 3 ए ई बाय 2 इंटू ये वाला ए ई, इसके साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ए ई का होल स्क्वायर, ये ए ई क्या हुआ, कट गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और 2 का स्क्वायर 4, क्या हो गया 9/4, ये किसका निकल गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकल लेते हैं, ए डी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल
एजीई का। अच्छा ये आंसर नहीं है, वहां पे तो ट्रेपीजियम चाहिए ना, ये आंसर नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं है। देखो यहाँ से अब क्या करेंगे, तो यहाँ से दोनों साइड -1 कर देंगे, इधर भी -1 कर दिया, इधर भी -1 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इधर जगह है तो हम इधर सोल्व करते हैं। चलो देखो पहले एलएचएस साइड देखना, एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा लेफ्ट साइड में, एरिया ऑफ ट्रायंगल एजीई। ऊपर में देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएफ ही रहेगा माइनस, यहाँ पे देखो इनके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये वाला इनके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एजीई गुना 1 क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एजीई बराबर। अब देखो इधर 4 है और यहाँ पे नीचे में 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, तो यहाँ नीचे में 4 है तो ऊपर में क्या है 9 है, तो 9 लिखा जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये वाला 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले के साथ, तो 4 हो जाएगा, 9 में 4 गया 5/4। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीएफ में किसको माइनस कर रहे हैं, एजीई को माइनस कर रहे हैं। फिगर में देखना, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीएफ इस पूरे में से, ये पूरा एडीएफ हो गया, इसमें से ये वाला माइनस कर दे रहे हैं, ये वाला एजीई को क्या कर दे रहे हैं घटा दे रहे हैं। जब एजीई को घटा देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, यही तो बचेगा, ये वाला क्या बचेगा, ये वाला ही तो बचेगा, जीडीएफ ही तो बचेगा, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये वाला जीडीएफई। ठीक है चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और वो है क्या, तो वो ट्रेपीजियम है। ठीक है तो यही हो जाएगा आपको क्या, GDFE / नीचे में क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AGE। ठीक है ठीक है। अब देखो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल AGE ऊपर चाहिए तो पलटा आ देंगे, तो नीचे का इधर ऊपर करेंगे तो AGE / इधर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम GDFE। ठीक है बराबर, लेफ्ट साइड में पलटा है तो राइट साइड में पलटाएंगे क्या हो जाएगा 4/5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, हम जैसे जैसे करके लिखे हैं उसी प्रकार से आपको भी लिखना है, तभी जाके सही होगा, समझे कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम चलते गए हैं, तो बी नंबर से देखो यहाँ से स्टार्ट करें, इधर से चलते जाना है नीचे तक जाना है, नीचे तक समझे कि नहीं, इधर से नीचे तक गए पूरा यहाँ नीचे तक, पहले ये वाला पोर्शन लिख लेना है, उसके बाद यहाँ से फिर वापस हम यहाँ पे आए हुए हैं। समझ में आया कैसे कैसे करके जाना है। ठीक है इसको आराम आराम से तुम लोग वीडियो पॉज करके लिख लो, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। चलो देखो सी नंबर को अब देखते हैं, कौन कौन सा ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी एफ बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का रेशियो निकालना है। ठीक है देखो ध्यान से देखना, ये वाला ए डी क्या दे रखा है, तो ए डी इज ए मीडियन है। ठीक है ए डी इज ए मीडियन इन ट्राइंगल, किस में, तो ए बी सी ट्राइंगल में। ए डी अगर मीडियन है ये वाला, ठीक है ये वाला ए डी क्या है, तो ए डी मीडियन है पूरे ट्राइंगल में। ए डी अगर मीडियन दे रखा है तो ये मीडियन क्या करता है, पूरे ट्राइंगल को 2 बराबर भाग में बांटता है। ठीक है इसका मतलब इधर से देखो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा पूरे ट्राइंगल का। ठीक है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का, ठीक है क्योंकि ए डी मीडियन दे रखा था। ए डी सी कौन सा ट्राइंगल हो गया, तो देखो ए डी सी ये वाला ट्राइंगल है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे देखो डी पॉइंट है, ये वाला सी पॉइंट है। ए डी सी बराबर इधर से ए बी डी हो जाएगा क्योंकि ए डी मीडियन है। अगर ये वाला ट्रायंगल इधर से ये वाला एडीसी ट्रायंगल बराबर हो गया, ये दोनों ट्रायंगल बराबर अगर हो गया तो एडीसी क्या हो जाएगा पूरे का आधा हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे डायरेक्ट तो लिख दिया हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी क्या हो जाएगा, तो पूरे का आधा हो जाएगा। ठीक है चलो अब देखो बनाएंगे, देखो चलो एक काम करते हैं, पहले रेशियो ले लेते हैं किसका किसका, तो इधर से चलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी एफ में, ये वाला ट्राइंगल में, ठीक है और किस में चलेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी में चलेंगे। ठीक है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी एफ बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल किस में, तो
तो सी सी डी ए में, ठीक है सी डी ए में, चलो कैसे कैसे लेंगे, तो एक काम करते हैं ये वाला इधर से एफ सी ले लेंगे, और इधर से क्या ले लेंगे, तो इधर से ये वाला पूरे ए सी ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर देखें तो ये सी वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉमन वर्टेक्स हो गया, ठीक है। इधर से किस में गए, सी डी एफ में गए इधर से, और इधर से सी डी ए में गए, ठीक है ना। इधर से क्या ले लेंगे, तो एफ सी ले लिए, और उधर से क्या ले लेंगे, ए सी ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें एक कॉमन वर्टेक्स आ रहा है, कौन सा कॉमन वर्टेक्स आ रहा है, तो देखो ध्यान से देखना, अगर ए डी सी में जाए तो ये वाला डी वर्टेक्स देखो, और सी डी एफ में देखो तो ये वाला फिर से डी वर्टेक्स आ रहा है। तो इसके लिए बेस एक के लिए एफ सी हो गया, ठीक है, और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, तो ये वाला पूरे ए सी हो गया। जब भी कोई कॉमन वर्टेक्स रहे और बेस सेम लाइन में रहे, देखो तो सी एफ बेस और ये वाला पूरे ए सी बेस देखो सेम लाइन में है ना, तो एरिया उन दोनों ट्रायंगल्स का, एरिया का रेशियो लेने के लिए क्या करते हैं, बेस का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो सी डी एफ में बेस क्या ले लेंगे, एफ सी, और सी डी ए में क्या ले लेंगे, तो ए सी ले लेंगे, ठीक है। ये ले लिए, अब ध्यान से देखना एफ सी क्या है, तो ये वाला पूरे ए सी का आधा है, एफ सी क्या है, तो एफ सी ई सी का क्या है, आधा है, एफ सी बराबर ए सी बाय टू, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ सी की जगह में क्या लिख सकते हैं, ए सी बाय टू, मतलब टू ए सी हो जाएगा। आगे देखना फिर से, अगर ये वाला ई सी देखे, ये वाला ई सी देखो यहाँ भी लिखे हुए हैं कहीं पे, ठीक है, निकाले भी है, ई सी ई सी ई सी ई सी, हाँ देखो ई सी किसके बराबर है, तो ई एफ के बराबर है, ठीक है, ई एफ सी एफ, अच्छा यहाँ पे सी एफ निकाले हुए हैं, सी एफ बराबर ई एफ निकाले हुए हैं, ठीक है, ई सी, हाँ यहाँ देखो इक्वेशन टू में देखो ए सी बराबर क्या है, तो ए सी बराबर ए ई है, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला क्या था, बराबर था, इसका मतलब ये वाला ए सी, यहाँ पे ए सी क्या हो जाएगा, ए सी आपका फिर से पूरे का आधा हो जाएगा, ए सी बाय टू। चूंकि ये वाला क्वेश्चन में दे रखा है कि ये वाला बीई क्या है, मीडियन है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है बीई आर मीडियन, ये बीई क्या है, अगर मीडियन है तो ए सी क्या हो जाएगा, तो ए सी पूरे का आधा हो जाएगा, मतलब ए सी बाय टू हो जाएगा, ठीक है, ए सी क्या हो जाएगा, तो ए सी बाय टू हो जाएगा, और नीचे में पहले से एक दो ए सी लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, ए सी बाय दो गुना चार ए सी, ठीक है। यहां से ए सी, ए सी क्या हुआ, कट गया, क्या आ गया, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, सी डी ए आ गया, ठीक है। हमें लेकिन चाहिए नीचे में ट्रायंगल ए बी सी, नीचे में हमें क्या चाहिए, तो नीचे में हमें चाहिए ए बी सी, लेकिन नीचे में ए बी सी आया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये कितना आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ए बराबर कितना आ गया, तो 1/4 आ गया। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ए बोल दे या ए डी सी बोल दे, ये कितना है, तो ये हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, इसको क्या करेंगे वहां पे सी डी ए के जगह में पुट कर देंगे, ये वाला इक्वेशन, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ए बराबर हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देखो यहाँ पे पुट कर देंगे इसके जगह में, तो ऊपर में तो सी डी एफ है तो सी डी एफ ही रहेगा, बाय नीचे में सी डी ए की जगह में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर कितना हो गया, 1/4 हो गया। यहां से देखो क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर, इस 1/2 को बराबर के उस साइड में कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 गुना 1/2 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया तो वो कमेंट करके बता सकते हो। थोड़ा देखो, कॉम्प्लिकेटेड तो है 21 नंबर, समझे कि नहीं, तो बार बार वीडियो को देखना होगा तभी आराम से समझ में आएगा। और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके बताना है, थोड़ा खुद भी मेहनत करना होगा ये सब क्वेश्चन में। 21 नंबर तक ऐसा ही दे रखा है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को भी समझने के लिए, फिगर से मिलाते रहना होगा। ठीक है, चलो डी नंबर में चलते हैं। चलो डी नंबर में बाबू चलते हैं। ठीक है, देखो डी नंबर को डायरेक्ट थोड़ा निकालने में दिक्कत है। ठीक है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई, देखो कितना छोटा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है ए जी ई, समझे कि नहीं, तो ये वाला बहुत छोटा ट्रायंगल है। ठीक है, कोई बात नहीं। और ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये वाला पूरा बड़ा ट्रायंगल है, ये वाला पूरा क्या है, बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी, तो उस छोटे ट्रायंगल से इस बड़े ट्रायंगल का रेशियो निकालना है। ठीक है, एरिया का रेशियो निकालना है। चलो ठीक है, देखो बी नंबर में हम एक रिजल्ट निकाले थे, क्या निकाले थे, तो अगर ध्यान होगा आपको तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ निकाले थे। ठीक है, फिर से निकाल लेते हैं कौन कौन सा ट्रायंगल है, तो ए जी ई ये वाला ट्रायंगल और ए डी एफ ये वाला ट्रायंगल हो गया। चलो यहां से ले लो क्या क्या, इसमें ए ई ले लो और इसमें क्या ले लो, ए एफ ले लो, तो ए ई बाय ए एफ का होल स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये कितना आ जाएगा, तो देखो ए ई को ए ही रहने दो, ए ई को ए ई ही रहने दो, लेकिन ए एफ देखो नीचे में आया है, तो ए एफ कितना हो जाएगा, ए एफ को क्या लिख सकते हैं, ए एफ को लिख सकते हैं ए ई प्लस ई एफ। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, तो ए ई प्लस ई एफ। वैसे ये वाला निकाले हुए, आप चाहे तो बी नंबर में जाइए, पहले यही निकाले थे तब जाके बी नंबर का जो आंसर उसको निकालने के लिए दोनों साइड -1 करे थे, आप वहां भी जा सकते हैं। ठीक है, देखो ए ई बाय नीचे में ए ई प्लस ई एफ, देखो ई एफ, और यहाँ पे देखो ई एफ निकाले हुए हैं कहीं पे, देखो ई एफ यहाँ पे इक्वेशन 4 में क्या निकाले थे, ए ई बाय 2 निकाले थे, तो यहाँ पे फिर से रख देंगे ई एफ की जगह में ए ई बाय 2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा ए ई, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो थोड़ा डायरेक्ट करते हैं क्योंकि निकाले हुए हैं, 3 AE/2 इनका होल स्क्वायर। ये AE खत्म हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/9 हम स्क्वायर भी साथ में कर दिए हैं। ठीक है ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4/9 आ गया। ठीक है, इधर कितना है, तो इधर है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, तो ए डी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ, ए डी एफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वगैरह दे रखा है, तो थोड़ा आराम आराम से समय दे के करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो में काफी समय लगता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ निकाल लिए। ठीक है, अब देखो कि इसमें चलेंगे तो ध्यान से देखना, अब देखो किसमें जाने वाले हैं, मिट गया क्या, कोई बात नहीं मिट गया, तो ऐसे भी जिसका जरूरत नहीं जरूरत है उसका हम लिख देते हैं। ठीक है, देखो अब चलेंगे इधर से ए डी एफ, ये वाला पूरा ट्रायंगल लेंगे और ये वाला पूरे ए डी सी लेंगे। ठीक है, ए डी सी ये वाला ऐसे करके लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी नीचे में निकालते हैं। एंड अब क्या रिजल्ट निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी बराबर। ठीक है, देखो ए डी एफ, ए डी एफ में क्या ले लो, तो ए डी एफ में ये वाला ए एफ ले लेंगे। ठीक है, ए डी एफ में ए एफ और नीचे में ए डी सी में क्या लेंगे, तो ए सी ले लेंगे। ठीक है, इसमें क्या ले लेंगे, ए सी, इसमें क्या ले लेंगे, तो ए एफ बाय ए सी। अच्छा, इनका होल स्क्वायर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, तो
ध्यान से यहाँ पे समझना है, देखना बेस ही है ये दोनों, इस दोनों ट्रायंगल का क्या है, बेस है। देखो थोड़ा ध्यान से, एडीएफ में देखो तो ये वाला डी पॉइंट आ रहा है ना, एडीएफ में डी पॉइंट, और एडीसी में भी अगर जाएंगे तो ये वाला डी पॉइंट आ रहा है, ठीक है। देखो ये वाला क्या हो जाएगा, बड़े में जाएंगे तो ये वाला पूरे एसी बेस हो गया, और एडीएफ में जाएंगे तो ये वाला एएफ बेस हो गया, ठीक है। तो कॉमन वर्टेक्स रहे और अगर बेस सेम लाइन में रहे दोनों ट्रायंगल का, तो सिर्फ वो बेस का रेशियो ले लेते हैं, तो वहां से एरिया का रेशियो निकल जाता है, ठीक है। तो छोटे वाले में एएफ और बड़े वाले में क्या ले लिए, एसी ले लिए, समझ में आया, ठीक है। अब देखो एएफ देखो कितना हो जाएगा, तो एएफ को देखो क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट देखो यहाँ पे एएफ आया था, एएफ आया था ना, एएफ को देखो नीचे में क्या आया था, तो एएफ फाइनली यहाँ पे देखो आया था 3AE/2, ये वाला देखो 3AE/2, ठीक है। वहां पे एएफ की जगह में लिख देंगे क्या, 3AE/2 बार। अब देखना एसी, एसी ये वाला पूरे है ना, ये वाला पूरे एसी है, एसी देखो नीचे में एई आया है, ठीक है। देखो ये वाला एई और ईसी देखो आपस में यहाँ इक्वेशन टू में क्या है, ये दोनों बराबर है ना, क्योंकि ये वाला मीडियन है, ये वाला बीई जो दे रखा है, ये बीडी बीई क्या है, बीई मीडियन है, बीई अगर मीडियन है तो एई और ईसी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसका मतलब दोनों को अगर जोड़ देंगे, एई प्लस ईसी कर देंगे, तो ये किसके बराबर होगा, एसी के बराबर होगा, लेकिन ये और ये आपस में बराबर है, तो यहाँ से 2AE क्या हो जाएगा, बराबर एसी हो जाएगा। इसका मतलब ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बाय 2 हो गया। तो ए सी बराबर यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी बराबर यहाँ से आ जाएगा 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2AE बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, 2AE बराबर ए सी। देखो नीचे में लिखेंगे ए सी है ना, यहाँ पे इसके जगह में क्या लिख देंगे, 2AE लिख देंगे, AE क्या हुआ, खत्म हो गया। तो ये कितना हो गया, 3 और 2 गुना 2 4, 3/4, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। एक ये वाला आ गया, इसको बोल दो बी, और यहाँ पे जो एक निकाले थे इसको बोल दो ए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, ए और बी को अब मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इधर करते हैं, मल्टीप्लाइंग ए एंड बी, क्या करना है, ए गुना बी करना है, वी गेट क्या हमें मिलेगा, चलो देखते हैं। एलएचएस को एलएचएस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ गुना, अब इधर देखो इक्वेशन बी में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ बाय ए डी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी बराबर, ठीक है। अब आर एच एस साइड को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 गुना 9 और 3 गुना 4, देखो यहाँ भी ए डी सी ए डी एफ, यहाँ भी ए डी एफ, ये खत्म हो गया, क्या बचा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी बराबर, 3 से ये 3 बार में 4 4 खत्म, क्या बच गया, 1/3 बच गया, ठीक है। ये आपका कितना आ गया, तो 1/3 आ गया, इतना तो समझ में आया। लेकिन देखो नीचे में ए बी सी चाहिए, यहाँ पे नीचे में ए बी सी चाहिए, ठीक है, चलो ठीक है। अब एक चीज और समझना, यहाँ पे थोड़ा समझना होगा तभी ये बनेगा, एक चीज और समझना, देखो देखो क्या समझना है यहाँ पे, तो ये वाला ए डी क्या है, ए डी मीडियन है, ए डी क्या है, मीडियन है, देखो यहाँ पे दे रखा है ना ए डी मीडियन है, ए डी एंड बी आर टू मीडियंस, तो ए डी मीडियन का भी हमें जरूरत है, यही अगर ए डी मीडियन है अगर, तो ये वाला ट्रायंगल और इधर से ये वाला पूरे ट्रायंगल, ये दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा।
इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल एडीसी का ट्रायंगल का एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी क्या हो जाएगा, तो ये पूरे का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर ही है, तो मतलब कि ये वाला एडीसी क्या होगा, आधा होगा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, ठीक है। और ये वाला पिछले क्वेश्चन में भी यूज करे थे, तो यही चीज वहां पे लिख देना है। अब देखो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एजीई बाय, यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, 1/2 को उधर कर देंगे, तो 1/2 को अगर उधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एजीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर 1/3 गुना 1/2, और ये कितना आ जाएगा, 1/6, और यही आपका आंसर होगा। समझ में आया, तो ये आपका डी नंबर खत्म हो गया। तो आराम आराम से शुरू से इस वीडियो को देखना है, और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, तभी आपका, जैसे कि ये समझ में आया फिर बी में गए, फिर बी को समझना है, फिर सी में आना है, फिर सी समझ गए तब डी में आना है। अगर आपने बिना किसी को समझे दूसरे में अगर आप चले जाएंगे, तो ये ए बी सी डी आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि एक का दूसरे में यूज होता है, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, इस प्रकार से ये क्वेश्चन वगैरह दिया हुआ है। और आपका एक्सरसाइज 1 में अगर बात करें ना, तो 12 से लेकर 21 तक जो क्वेश्चन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत समय लगता है, तो इसीलिए धैर्य बना के ये सब क्वेश्चन करना होगा, समझ समझ के ये सब क्वेश्चन करना होगा, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे, अन्यथा आप जल्दी जल्दी अगर करेंगे तो ये सब क्वेश्चन को आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि बहुत चीज इसमें दे रखा है, समझे कि नहीं। और ऐसे भी आईसीएसई वगैरह का जो बुक होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता भी है, तो और कॉम्प्लिकेटेड भी है, प्लस आपको आराम आराम से भी करना होगा, समझ समझ के करना होगा। तो ठीक है, चलो फिर, जहाँ पे समझ में नहीं आए 21 नंबर क्वेश्चन में, तो वीडियो को पीछे करके देखना है, फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना कहाँ पे समझ में नहीं आया, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में, उसमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। चलो देखो, 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, तो ये और ये पैरेलल होगा, और ये वाला क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। आर एम परपेंडिकुलर पी एस, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आर एन, अच्छा आर एन यहाँ पे लिख दिया है, आर एन, अच्छा ये वाला आर एन है परपेंडिकुलर पी क्यू, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, दे क्या रखा है, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या दे रखा है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या निकालना है, पी क्यू दे रखा है 7.5, ये है आपका 7.5, और क्या दे रखा है, तो एम आर, एम आर बाय एन आर दे रखा है, ये कितना है, 3/2 है, कितना कुछ दे रखा है, पहले नंबर में एम आर निकालना है, फिर एन आर निकालना है, फिर क्यू आर निकालना है, ठीक है सब निकाल लेंगे। देखो देखो देखो, एरिया दे रखा है ना, पी क्यू आर एस दे रखा है, पी क्यू आर एस मतलब पैरेललोग्राम का एरिया दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पी क्यू दे रखा है, मतलब तो सबसे पहले बी नंबर निकालेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो, लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या होता है, तो ये बेस इंटू हाइट होता है, ये याद रखना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दे रखा है, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। बेस देखो, इधर से ये वाला बेस पी क्यू अगर हो गया तो हाइट क्या हो जाएगा, ये वाला एन आर हो जाएगा, हाइट उस बेस पे लेना है जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बने, क्योंकि हमें पी क्यू ही पता है, तो पी क्यू को ही बेस लेंगे, और तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो एन आर हाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने आर क्यू लिया बेस, आर क्यू बोल दे या पी एस बोल दे, ये दोनों बराबर ही होगा, ठीक है। अगर पी एस मान लो बेस लिया, तो उस केस में परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला एम आर हो जाएगा, लेकिन हमें पी एस पता नहीं है, तो हम बेस क्या लेंगे, पी क्यू लेंगे, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला एन आर हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं।
ठीक है, तो बेस आप दोनों ले सकते हैं, लेकिन देखना होगा परपेंडिकुलर कौन सा दे रखा है। चलो यहाँ पे बेस क्या ले लेंगे, पी क्यू, तो हाइट क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा, तो ये 60 दे रखा है। पी क्यू कितना है, 7.5 सेंटीमीटर है क्या। चलो देखो गुना क्या कर देंगे, एन आर कर देंगे, तो यहाँ से एन आर डायरेक्ट निकल जाएगा कितना, 60/7.5, इसको कर देंगे तो ऊपर एक जीरो चला गया। देखो 5 से ये कट जाएगा 15 बार में, और 5 से ये कट जाएगा 120 बार में, 5 से ये 3 बार में, और 5 से 5 दुनो 10, 5 चौके 20, 3 से 8 बार में। तो यहाँ से देखो बी नंबर निकल गया ना, बी नंबर में एन आर निकालना था, कितना आ गया, 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए नंबर निकालते हैं। ठीक है, ए नंबर में निकालने के लिए इस रेशियो का मदद लेंगे, एम आर बाय एन आर देखो कितना दे रखा है, तो एम आर बाय एन आर दे रखा है 3/2। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि ये सब थोड़ा हो सकता है जल्दी जल्दी। एम आर निकालना है, तो एम आर एन आर देखो कितना निकाल लिए, यहाँ पे 8 निकाल लिए, 8 यहाँ पे रख दो, बराबर 3/2। ठीक है, तो एम आर यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/2 × 8, 2 से कट गया ये 4 बार में, कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ए और बी दोनों निकल गया। अब सी नंबर में चलते हैं, सी नंबर में क्या निकालना है, तो क्यू आर निकालना है। ठीक है, फिर से देखो एरिया ऑफ पेरेललोग्राम में ही चलेंगे, एरिया ऑफ पेरेललोग्राम इसका तो पी क्यू आर एस का, फिर से क्या लिखेंगे, बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ पेरेललोग्राम कितना दे रखा है, तो 60 दे रखा है। देखो लेकिन अब बेस कौन सा लेंगे, तो बेस ले लेंगे ये वाला क्यू आर, क्यू आर बेस ले बोल दो, या फिर पी एस बोल दो, पेरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो क्यू आर बोल देते हैं यहाँ पे। चलो गुना, अब हाइट, हाइट कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला हाइट अब लेना होगा। ठीक, अगर क्यू आर लिए हैं तो देखना होगा कि परपेंडिकुलर उस बेस पे कौन सा बन रहा है, तो ये वाला एम आर बन रहा है परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, तो हाइट क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा, एम आर। ठीक है, तो 60 बराबर, क्यू आर देखो 12 निकाल लिए हैं, तो क्यू आर नहीं निकाले हैं, एम आर निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू आर कर दिए, तो यहाँ से क्यू आर कितना हो जाएगा, 60/12, और ये 5 बार में कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया, तो ये निकाल लिए आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इतना कुछ निकाल लिए, अब थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं और बना लेंगे ऊपर में ही डी नंबर का, हम सिर्फ एक मिटा रहे हैं ये वाला, इसी से काम हो जाएगा। इधर अब समय ज़्यादा नहीं लगेगा, 21 नंबर तक के क्वेश्चन में ज़्यादा समय लग रहा था, अब इधर आराम आराम से जल्दी जल्दी बन जाएगा। डी नंबर हम यहाँ पे बना रहे हैं, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एम एस बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एर एन क्यू, आर एम एस ये वाला ट्रायंगल है और आर एन क्यू ये वाला ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, चाहो तो सिमिलर लिख भी सकते हो। ठीक, हम सिमिलर कर देते हैं, इन ट्रायंगल आर एम एस एंड ट्रायंगल आर एन क्यू। ठीक है, देखो एम पे 90 डिग्री का कोण बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे एन पे 90 डिग्री का कोण बनाया है, तो एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, और ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखो पी क्यू आर एस क्या है, पेरेललोग्राम है ना, और पेरेललोग्राम का अपोजिट एंगल बराबर होता है, मतलब एंगल एस किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंगल एस किसके बराबर होगा, तो एंगल क्यू का, और ये भी क्या है, गिवन है, क्योंकि पी क्यू आर एस पेरेललोग्राम दे रखा है, तो यहाँ से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर एम एस सिमिलर ट्राइंगल आर एन क्यू, किससे हुआ, तो एंगल एंगल से हुआ। अब यहाँ से रेशियो ले लेंगे, यहाँ इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ऊपर में क्या चाहिए, आर एम एस ही चाहिए, आर एम एस बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल आर एन क्यू बराबर, आर एम एस में देखो क्या ले लेंगे, एम आर ले लो, और आर एन क्यू में एन आर ले लो, तो एम आर बाय एन आर, एम आर बाय
एन आर और इनका क्या होल स्क्वायर, ठीक है, चूंकि कॉमन बेस जरूर है लेकिन बेस सेम लाइन में यहाँ पे नहीं है, तो होल स्क्वायर करेंगे। और एम आर बाय एन आर देखो कितना दे रखा है, तो 3/2 दे रखा है, तो 3/2 का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 9/4, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो 22 नंबर आसान ही था, 22 नंबर में ज्यादा कुछ था नहीं, जो भी था आपका 21 नंबर तक था भाई, 21 नंबर तक तो बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन सब दे रखा था, समझे कि नहीं। चलिए चलते हैं 23 नंबर में, क्या दे रखा है, एरिया ऑफ टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, इतना देखो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक ये वाला बोल दो ट्राइंगल हो गया और एक ये वाला ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल है मतलब ये तीनों साइड बराबर होगा, इधर से इस ट्राइंगल का भी ये तीनों साइड बराबर होगा, निकालना क्या, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर साइड। चलो इसको ए बी सी बोल देते हैं और इसको क्या बोल देंगे, तो डी ई एफ बोल देंगे, ठीक है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर, देखो सिमिलर दे ही रखा है यहाँ पे, एरिया ऑफ टू इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो ये भी 60 होगा, ये भी कितना होगा 60 होगा, तो ये भी कितना होगा 60 होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल 60 60 का बनता है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो ये भी 60 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, सिमिलर होगा किसका, ट्राइंगल डी ई एफ का, चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसी लिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे साइड का रेशियो निकालना है, चलो कोई भी ले लो, इधर से ए बी ले लिए, इधर से क्या ले लेंगे डी ई ले लेंगे, और इनका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखो यही एरिया का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 196/169 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ए बी सी हम छोटा ट्राइंगल लिए हैं और डी एफ क्या है बड़ा ट्राइंगल है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम बनाए छोटा और बड़ा ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चाहे तो ए बी सी को बड़ा भी कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, ए बी बाय डी ई का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर रूट हो जाएगा, तो 196/169 बराबर क्या हो जाएगा ए बी बाय डी ई, देखो 196 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो ये 16 का है, ठीक है, और 169 का कितना है, तो 13 है, तो 16/13 ए बी बाय डी ई, यही रेशियो आपको निकालना था, तो ए बी बाय डी ई कितना हो जाएगा 16/13, एक सेकंड, 196 का 16 नहीं है, थोड़ा उल्टा लिख दिए क्या, 14 होता है, 14, 196 का कितना होता है, तो 14 होता है भाई, 14×14 196 होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 14/13। चलिए 23 नंबर बन गया, 24 में चलते हैं, 24 भी ऐसा ही दे रहता है, दो आइसोसेलस ट्राइंगल है, आइसोसेलस ट्राइंगल का मतलब क्या होगा, आइसोसेलस ट्राइंगल में दो साइड बराबर होता है, चलो ये और ये साइड बराबर दे रखा है, एक और ट्राइंगल बनाते हैं, ये वाला एक ट्राइंगल है, इसमें से ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये हो गया ए बी सी और ये वाला हो गया डी ई एफ, आगे क्या दे रखा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड का रेशियो निकालना है, चलो इधर से एल्टीट्यूड खींचते हैं, एल्टीट्यूड है तो यहाँ पे 90 बनेगा, इसको कुछ पॉइंट दे दो, पी कर देते हैं, और इस वाले में भी एल्टीट्यूड खींचते हैं, और इसको क्या कर दो क्यू कर दो, यहाँ भी 90 बनेगा। देखो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या होगा सिमिलर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ का, चलो यहाँ से रेशियो ले लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर, देखो यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करने का आपको जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं तो आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिमिलर प्रूफ करने का जरूरत नहीं, क्योंकि रेशियो दे रखा है ना, रेशियो क्यों दे रखा है, जब तक सिमिलर नहीं होगा तब तक रेशियो नहीं दे के रखेगा, समझे कि नहीं, मतलब सिमिलर है तभी रेशियो दिया हुआ है, तो
डायरेक्ट सिमिलर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिमिलर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या क्या होता है? एक तो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो लेके स्क्वायर करते ही है, साथ ही साथ जो कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड है उनका भी रेशियो लेके स्क्वायर अगर करेंगे तो वो भी हमारा उन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो ही देता है, ठीक है। तो एबीसी में डायरेक्ट क्या ले लेंगे, एल्टीट्यूड एपी ले लेंगे, और डीएफ में क्या ले लेंगे, तो डीक्यू ले लेंगे। अगर आपने शुरू से इस चैप्टर को बनाया होगा तो आपको पता होगा। चलो, और एपी बाय डीक्यू ही निकालना है। देखो, ये रेशियो कितना दे रखा है, तो 225 बाय 289 दे रखा है, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो देखो कितना है, 225 बाय 289 बराबर एपी बाय यहाँ से क्या, डीक्यू का होल स्क्वायर। इधर करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 225 बाय 289 बराबर एपी बाय डीक्यू। 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15, और 289 का कितना होता है, तो 17 होता है बराबर एपी बाय डीक्यू। इनका आंसर कितना हो जाएगा, 15/17, और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया होगा। कोरस्पोंडिंग साइड का तो रेशियो लेते ही है, साथ ही साथ उन दोनों ट्रायंगल्स का कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड का भी अगर रेशियो लेके होल स्क्वायर कर देंगे तो वो भी एरिया का ही रेशियो देगा। बस ये यहाँ पे कंसेप्ट ध्यान में रखना है। चलो देखो, 25 नंबर में क्या बोल रखा है, गिवन दैट एक एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। बी सी डी, तो बी सी डी आपका ये वाला एंगल हो गया, और ये भी कितना है, 90 है, और ए एम डी कितना है, तो ये वाला एंगल भी कितना है, 90 है, ठीक है। ए बी बराबर कितना दे रखा है, तो ए बी बराबर दे रखा है 2/3 BM। देखो, बी एम को इधर कर दो, तो ए बी बाय बी एम यहाँ से क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। एक चीज देखो और दे रखा है यहाँ पे, बी एम बराबर कितना दे रखा है, तो बी एम बराबर 5/6 MC दे रखा है, तो एम सी को इधर कर दो, तो बी एम बाय एम सी क्या हो जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा। चलो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको बोल दो फर्स्ट और इसको क्या बोल दो, सेकेंड कर बोल दो, फर्स्ट गुना सेकेंड करेंगे। चलो देखो, एल एच एस को एल एच एस साइड से करना है, ए बी बाय बी एम गुना बी एम बाय एम सी बराबर क्या आ जाएगा इधर से, तो 2/3 × 5/6 करेंगे। देखो, बी एम बी एम खत्म, 2 से ये 3 बार में खत्म, क्या आ गया यहाँ से, तो यहाँ से आ गया ए बी बाय एम सी बराबर, यहाँ पे 5 × 1, ऊपर में 5 होगा और नीचे में 3 × 3 कितना हो गया, 9, तो ए बी बाय एम सी कितना निकाल लिए, 5/9 निकाल लिए, ठीक है। इनको बोल देते हैं इक्वेशन थर्ड, और इनका आगे में यूज करेंगे, ठीक है। चलो, इधर बनाते हैं, इधर ही जगह बचा हुआ है। चलो, एक चीज और इसमें भी जरूरत पड़ने वाला है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स का। देखो, ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल 90 है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे का कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया। चलो, इसको बोल दो 1 और इसको क्या बोल दो, 2 बोल दो। तो ध्यान से देखना, ये वाला पूरे कितना स्ट्रेट लाइन है ना, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, बी एम सी, बी एम सी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे पूरे एंगल कितना बनता है, 180 का बनता है। मतलब ये वाला पूरे एंगल कितना होगा, ये वाला पूरे एंगल 180 होगा, ठीक है। देखो, एंगल 1 + एंगल 2, यहाँ चाहो तो लिख सकते हो इन स्ट्रेट लाइन, STRAIGST, इन स्ट्रेट लाइन बी एम सी, ठीक है। एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल AMD बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ से एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल AMD कितना है, देखो 90 दे रखा है क्वेश्चन में, एंगल AMD बराबर कितना है, तो 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे 90 रख दो बराबर 180। यहाँ से एंगल 1 + एंगल 2 कितना आ जाएगा,
180 माइनस 90 और ये कितना आ गया 90 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है ये याद रखना। अब देखो अब क्या करेंगे, तो एक काम अभी और करना है, वो क्या करना है देखो, ये वाला एंगल था और ये वाला एंगल, ये वाला 1 था ये वाला 2 था, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल एबीएम में, चलो इन ट्रायंगल एबीएम कौन सा है, तो ये वाला ट्रायंगल है एबीएम, ठीक है। देखो लिख रहे हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीएम, ठीक है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 180 होता है किसी भी ट्रायंगल में। तो देखो ये वाला एंगल ए, ये वाला एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी और ये वाला कितना है, तो 1 है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 1 कितना होगा, 180 होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। एंगल ए कुछ नहीं दे रखा है तो एंगल ए रखेंगे, एंगल बी 90 दे रखा है प्लस एंगल 1 बराबर कितना 180 डिग्री। यहाँ से देखो एंगल ए प्लस एंगल 1 कितना आ जाएगा, तो 180 और यहाँ पे 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है ये वाला। अब एक बार इसको और इसको देखो, देखो तो दोनों का आरएचएस साइड में 90 है ना, दोनों का अगर आरएचएस साइड में 90 है तो यहाँ से देखो हम मिटा रहे हैं थोड़ा, और इसको लिखना है वो वीडियो पॉज करके लिख लेना, हम थोड़ा इन सब चीज़ों को मिटा रहे हैं क्योंकि जगह कम है यहाँ पे, तो इसीलिए हमें ये सब हटाना पड़ेगा। अरे ठीक है हमें याद है, बाकी तुमको तो वीडियो पीछे करोगे तो वहाँ भी दिख जाएगा, ठीक है हमने जो निकाला वो हमें याद है, बाकी तुम वीडियो पॉज करके लिखोगे तो लिख लेना, हम डायरेक्ट वहाँ पे लिखेंगे। अभी क्या क्या निकाल लिए, एक निकाले थे एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना 90 डिग्री, और क्या निकाले थे एक एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 1 ये भी 90 निकाले थे। चलो तो इसको कुछ ए बोल दो, इसको कुछ बी बोल दो, दोनों का देखो आर एच एस साइड में बराबर है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे बराबर कर देंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन ए एंड बी, दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे, क्योंकि आर एच एस साइड में 90-90 है तो एल एच एस साइड भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल 1, तो वो एंगल 1 क्या हुआ कट जाएगा, तो यहाँ से एंगल ए किसके बराबर आ गया, एंगल 2 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये वाला एंगल, एंगल ए और इधर से ये वाला एंगल, यही 2 है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। देखो यहाँ पे 90 था, ये भी 90 था, ये दोनों बराबर हो गया, इधर से एंगल ए और इधर से ये वाला एंगल बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको कुछ चाहो तो लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है लिख लेना इसको, इसको क्या कर लेना इक्वेशन सी कर लेना, और अब हम इसको मिटा रहे हैं, पूरे को अब हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब चलेंगे सिमिलर करेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को, जिसका हमें एरिया का रेशियो निकालना है, कैसे सिमिलर करेंगे, तो यही दो एंगल का यूज करेंगे और सिमिलर कर देंगे, ठीक है। देखो चलेंगे इन ट्राइंगल कौन कौन सा, तो ए एम बी और डी एम सी में, तो इन ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल डी एम सी में, ठीक है। देखो एंगल बी और एंगल सी कितना दे रखा है, तो 90 डिग्री दे रखा है, एक ये हो गया। और अभी जस्ट निकाले इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल ए लो, ये किसके बराबर है, तो इधर से एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। तो एंगल ए बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 2 का, अभी हम लोग निकाले हैं जस्ट है ना, तो बाय प्रूफ, अभी हम लोग इसको प्रूव किए हैं। तो जैसे ही दो एंगल को बराबर दिखाए उन दोनों ट्राइंगल्स का, इसका मतलब ट्राइंगल ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ट्राइंगल ए एम बी सिमिलर ट्राइंगल डी एम सी किससे हुआ, तो एंगल एंगल से हुआ। अब यहाँ से क्या करेंगे एरिया का रेशियो ले लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम बी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एम सी बराबर ए एम बी में, देखो क्या ले लेंगे, तो यहाँ पे देखो निकाले हुए हैं
ए बी बाय एम सी निकाले हैं। देखो इधर से ए बी लो, ठीक है, ये एम बी में क्या लिए तो ए बी लिए बाय। अब ए बी के कोरस्पॉन्डिंग में देखना होगा, तो देखो ए बट एक्स किसके बराबर है, तो ये वाले के बराबर है, मतलब एम पॉइंट आ गया। और बी किसके बराबर है, तो सी के बराबर है, तो ये एम सी आ जाएगा ना, एम सी कोरस्पॉन्डिंग में हो जाएगा, तो ए बी बाय क्या हो जाएगा, एम सी, और इनका क्या होल स्क्वायर। और ए बी बाय एम सी देखो कितना निकाले हैं, 5/9 निकाले हैं, तो यहाँ पे 5/9 का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 25/25, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 25/81 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, ठीक है, तुम लोग इसको आराम आराम से लिख लो, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। चाहो तो तुम लोग आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तीन क्वेश्चन और बचा हुआ है, और छोटा छोटा ही क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। अब इधर क्या दे रखा है, तो ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें कि एंगल ए 90 डिग्री है, तो ये वाला 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो ए जी कितना है, तो ये वाला 3 दे रखा है। ए एफ कितना है, तो ए एफ ये वाला 4 दे रखा है। और क्या दे रखा है, तो डी जी एफ ई इज ए स्क्वायर, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ये चारों साइड क्या होगा, बराबर होगा, स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है। देखो बनाते हैं इसको, बनाने से पहले देखो एक रिजल्ट निकालेंगे, चलेंगे इन ट्राइंगल ए जी एफ में, और इसमें एंगल ए कितना है, वो 90 डिग्री है। अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री रहे तो हम लोग पैथोगोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो यूज करो पैथोगोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो 90 के सामने में क्या है, तो ये वाला जी एफ है, ठीक है, जी एफ का होल स्क्वायर बराबर इधर से ए जी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, तो ए एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमें जी एफ निकालना है, ए जी देखो कितना दे रखा है, तो ये 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 का होल स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, और 16 9 25, ठीक है। यहाँ पे जी एफ का होल स्क्वायर, और स्क्वायर को उधर कर दिया, इधर क्या बचेगा, जी एफ, जी एफ बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 25, और रूट 25 पर कितना होता है, तो 5 वैल्यू आ जाता है, तो जी एफ कितना आ गया, 5 आ गया। चलो जी एफ निकाल लिए हम लोग यहाँ से, जी एफ कितना निकाल लिए, तो 5 निकाल लिए। देखो ये वाला 5 निकाल लिए, ये 5, तो ये भी कितना 5, ये भी कितना 5, और ये भी कितना 5, स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, ठीक है। हम थोड़ा इसको मिटाते हैं, अब बनाएंगे एक नंबर को, चलो देखो एक नंबर में चलते हैं, किसका किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल जी बी डी, ए जी एफ कौन सा है, तो ए जी एफ ये वाला ट्रायंगल है, और जी बी डी ये वाला ट्रायंगल है। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना होगा, तो सिमिलर करना होगा, ठीक है। तो चलेंगे इन ट्रायंगल ए जी एफ एंड ट्रायंगल जी बी डी में, देखो ये वाला एंगल ए कितना है, 90 है, इधर से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, तो ये वाला एंगल 90 होगा, स्क्वायर में एक एंगल 90 होता है, अगर ये 90 है तो ये वाला भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल डी, और ये कितना 90 डिग्री, ठीक है। अब देखना स्क्वायर में जो अपोजिट साइड होता है वो दूसरे का पैरेलल होता है, तो ये वाला पैरेलल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये वाला सीधा लाइन है ना, ये वाला इसी के सीधे में गया हुआ है, ये पूरा लाइन पैरेलल हो जाएगा ये वाला जी एफ का, ठीक है। तो ये वाला एंगल और इधर से ये वाला एंगल क्या हो जाएगा,
तो बराबर हो जाएगा कोरेस्पोंडिंग एंगल। तो इधर से चलेंगे तो एंगल जी बी डी बराबर एंगल इधर से क्या हो जाएगा एफ जी ए, ठीक है। रीजन क्या होगा कोरेस्पोंडिंग एंगल। चलो यहां से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गया सिमिलर हो गया, तो ट्रायंगल ए जी एफ सिमिलर ट्रायंगल जी बी डी। जैसे ही सिमिलर हुआ सिमिलर करके हम लोग क्या ले लेंगे तो एरिया का रेशियो ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल जी बी डी बराबर, ठीक है। चलो देखो जी बी डी में अगर देखें ना तुम्हें मान लो जी डी ही पता है, ये वाला जी डी ही पता है, तो एक जी डी ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जी डी कितना 5 हम लोग निकाले हुए हैं, तो ये वाला जी डी हो गया। अब जी डी के कोरस्पॉन्डिंग में देखना होगा कि इस वाले ट्राइंगल में कौन सा आएगा, ठीक है। जी डी के कोरस्पॉन्डिंग में देखना होगा, कैसे चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे डी पॉइंट पे कितना बन रहा है 90 बन रहा है, और यहाँ पे ए पॉइंट पे 90 बन रहा है। ये वाला एंगल ये वाला जी पॉइंट जो आया ये वाला एंगल किसके बराबर है तो इसके बराबर है, ठीक है। इधर से जी डी गया है तो इधर से क्या ले लेंगे तो ए एफ ले लेंगे, इधर से क्या लेंगे तो ए एफ, और इनका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। ए एफ कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और जी डी कितना है 5, इनका होल स्क्वायर। तो 4 चौके 16 और 5 है 25, तो कितना आ जाएगा 16/25 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ए एफ 4 दे रखा था, ठीक है। तो कोरस्पोंडिंग साइड इस प्रकार से लिया जाता है, एंगल मिला के चेक करना पड़ता है, समझे कि नहीं। तो ये कितना आ गया 16/25 आ गया। चलो हम थोड़ा इसको मिटा देते हैं और अब बनाएंगे बी नंबर। जिसको लिखना हो वो वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना, और जहाँ पे समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। देखो बी नंबर में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई सी, एफ ई सी ये वाला ट्रायंगल है ये वाला, और बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी एफ फिर से वही ट्रायंगल है, और ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर ही होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी एफ क्या होगा, तो सिमिलर होगा किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई सी का। अच्छा एरिया हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, ट्रायंगल सिमिलर होता है ना, तो ट्रायंगल सिमिलर होगा ए जी एफ किसका तो एफ ई सी का। अब यहाँ से क्या करेंगे रेशियो ले लेंगे, तो रेशियो कैसे लेंगे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई सी को ऊपर में रखना है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ऊपर में है, बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी एफ को नीचे रखना है बराबर। देखो एफ ई सी में हमें सिर्फ ये बोला एफ ई पता है, सिर्फ क्या पता है एफ ई बाय। अब ए जी एफ में देखो थोड़ा ए नंबर का हेल्प लो, इधर से देखो ये वाला जी डी लिए थे, इधर से क्या लिए थे ये वाला ए एफ लिए थे, ठीक है। अब इधर से अगर एफ ई ले रहे हैं इधर से क्या लेंगे ए जी लेंगे, ए जी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का कोरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। एफ ई कितना है तो ये 5 है, और ए जी कितना है 3 है, तो इनका होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 25/25/3 9, तो 25/9 आंसर हो जाएगा, एक लाइन में बन गया। तीन नंबर यहीं पे बना देते हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल है ए जी एफ और पूरा ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। इधर से ए जी एफ और इधर से क्या है तो ए बी सी है, कोई बात नहीं ये भी हो जाएगा। कैसे होगा चलो चलो एक तो निकालना पड़ेगा, एक क्या करना होगा निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे देखो इसी का यहाँ पे मदद लेना होगा, इसका मदद लेना होगा। तो जैसे एक निकालेंगे ना तो फिर सारा बन जाएगा, समझे कि नहीं। देखो अभी हम लोग जस्ट इससे पहले प्रूफ करे थे ए नंबर में कि ट्रायंगल ए जी एफ सिमिलर होगा इसका, तो ये वाला ट्रायंगल जो हम लोग प्रूफ करते ए नंबर में, ए नंबर में देखो पीछे पलटा के
ए जी एफ किसका सिमिलर था, तो जी डी बी का था, ठीक है, जी डी बी का। चलो देखो अब इसमें रेशियो लेंगे ए जी एफ में और जी डी बी में, ठीक है। चलो इधर से जी डी लिए, जी डी बाय जी डी के क्रोस्पॉन्डिंग में देखो कि ये वाला जी डी है ना, जी डी के क्रोस्पॉन्डिंग में क्या था, तो ए एफ था, ए एफ ले लिए बराबर, ठीक है। अब इधर से ये वाला बी डी लो, बी डी, ठीक है। चाहो तो बी डी ना भी ले तो चलेगा, डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, इधर से जी बी ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, जी बी, ठीक है, बी जी बार। अब देखो यहाँ पे देखो 90 के सामने में ये बी जी था ना, ये वाला 90 के सामने में था, तो इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे 90 बना, और 90 के सामने में ये वाला क्या है, तो ये वाला जी एफ है, ठीक है, जी एफ। चलो जी डी कितना है, तो जी डी 5 है, ए एफ कितना है, तो ए एफ देखो 4 है अपना फिगर में देखो, और बी जी हमें नहीं पता, और ये वाला जी एफ भी कितना है, 5 है, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इधर 25 बराबर इधर क्या हो जाएगा, 4 गुना बी जी। यहाँ से अगर देखें तो बी जी कितना निकल जाएगा, तो बी जी निकल जाएगा 25/4। चलो थोड़ा इसका ज़रूरत था इसीलिए, ये बी जी कितना निकाल लिए, 25/4 निकाल लिए। अब जो पूछा है सी नंबर में, अब सी नंबर में डायरेक्ट हम यहाँ पे रेशियो लेते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही होगा, समझे कि नहीं, तो सिमिलर चाहो तो लिख सकते हो, आप चाहो तो सिमिलर प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, और दोनों में देखो एंगल ए आ रहा है, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, हम प्रूव कर दें क्या। चलो प्रूव कर ही देते हैं, प्रूफ कर ही देते हैं, ये वाला तुम लोग वीडियो पॉज करके लिख लेना, हम करते हैं। देखो इसमें चलेंगे तो इन ट्रायंगल ए जी एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी में, एंगल ए देखो दोनों में आ रहा है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ए नंबर में ये वाला लिए भी थे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, इधर से ए जी एफ और इधर से क्या होगा ए बी सी, दोनों बराबर होगा, एंगल ए जी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी, और ये क्या होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो ट्रायंगल ए जी एफ सिमिलर हो जाएगा किसका, तो ट्रायंगल ए बी सी का, और ये किससे किससे हुआ बाबू, तो एंगल एंगल से हो गया। जैसे ये दोनों सिमिलर हुआ, तो यहाँ से क्या ले सकते हैं, इन दोनों का रेशियो ले सकते हैं, ठीक है। चलो इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर, ए जी एफ में देखो क्या लेंगे, ए जी एफ में ये वाला ए जी लेंगे और ए बी सी में ये वाला पूरे ए बी लेंगे, ठीक है। ए जी एफ में क्या लेंगे, ए जी बाय ये वाला क्या लेंगे, तो ए बी, और इनका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ए जी कितना है, तो ए जी 3 दे रखा है, देखो फिगर में ए जी 3 होगा, ठीक है। अब ए बी, ए बी देखो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाए, 25/4, और ये वाला कितना है, 3 है, दोनों को जोड़ देंगे, 25/4 + 3, ये कितना हो जाएगा, 25/4 और +3, और इनका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। यहाँ से देखो 3, और नीचे में एक बार और एलसीएम लेना होगा, तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 25 प्लस यहाँ पे 4 × 3 = 12, इनका क्या करना होगा, होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये 4 नीचे है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, 3 × 4/25 कितना होता है, तो 25/12 आपका हो जाता है 33, सही बोले ना, ठीक है, 37 हो जाता है, ये कितना हो जाएगा,
37 का होल स्क्वायर। ठीक है चलो, ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, और 12 का स्क्वायर 144, और 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर कितना होता है, 1369। तो यही आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर में, समझे। तो ये हो गया आपका सी नंबर। तो सी नंबर आराम से तुम लोग लिख लो, और फिगर से मिला मिला के करना ताकि समझ में आए। ठीक है चलो, हम थोड़ा नीचे में इसको मिटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ले लिया जगह है, और यहाँ पे बनाएंगे 27 नंबर। अब एक ही इसमें 27 में है, और 28 में भी एक ही दे रखा है, तो आराम से 5 मिनट के अंदर में दोनों को सोल्व करते हैं। देखो ट्रायंगल एसीडी है, और एंगल ए कितना है, 90 डिग्री। तो ये वाला 90 है, बी सी डी, और इसमें एंगल बी 90 दे रखा है, ये वाला 90 है। एंड बी सी एंड ए डी इंटरसेक्ट एट ई, सी इज टू ए डी कितना है, तो सी ई बाय ई डी दे रखा है कितना, 2/5। ठीक है, यहाँ से देखो बी ई डी बाय ए ई सी निकालना है। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे, चलेंगे इन ट्रायंगल बी ई डी एंड ट्राइंगल ए सी में। देखो एंगल ए एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। अच्छा कौन कौन सा ट्राइंगल है, तो ए सी ये वाला ट्राइंगल है, और बी ई डी ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, ये वाला 90 था और ये वाला 90 था। उसके बाद देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और दोनों बराबर होगा, एंगल ए ई सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल उधर से डी ई बी। ठीक है, बराबर क्यों होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी ई डी सिमिलर हो जाएगा किसका, तो ट्रायंगल ए ई सी का। जैसे सिमिलर की हुआ किससे हुआ, तो एंगल एंगल से हुआ। अब सिमिलर हो गया ना, तो सिमिलर हो गया तो हम लोग एरिया का रेशियो ले सकते हैं। ठीक है चलो, अच्छा नंबर नहीं दे रखा है, ये नंबर दे दिए इसमें, डायरेक्ट निकाल लेंगे, फिर नंबरिंग देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बराबर, देखो बी ई डी में क्या ले लेंगे, तो बी ई डी में ये वाला ई डी ले लेंगे, ई डी। ठीक है, बाय, अब ई डी के कोरस्पॉन्डिंग में देखना होगा। देखो ई डी इस वाले ट्रायंगल में देखो 90 के सामने में आया है ना, 90 के सामने में ई डी है, तो इस वाले में देखो 90 के सामने में क्या है, तो ये वाला ई सी है। इधर से क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, और इनका होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे सी ई बाय ई डी कितना है, 2/5, इसको पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी बाय सी ई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5/2। यहाँ पे देखो ई डी बाई ई सी ही है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 25/2 × 4, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 27 नंबर। 28 नंबर भी 5 मिनट मुश्किल से लगेगा, इसको भी खत्म ही कर देते हैं। क्या है, बी सी पैरेलल टू डी ई, ये वाला और ये वाला क्या है, पैरेलल दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई डी दे रखा है। ठीक है, इसका एरिया दे रखा है और पूरे का एरिया दे रखा है। अच्छा पूरे का नहीं, ए बी सी ये वाला एरिया है, ये वाला ट्रायंगल है ए बी सी छोटा वाला। डी ई दे रखा है 14, ये 14 है, और कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बी सी। अच्छा ये वाला बी सी का लेंथ निकालना है, इसका लेंथ निकालना है, तो ये वाला बी सी का लेंथ निकालना है। देखो ए बी सी कितना दे रखा है, ए बी सी का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है कितना, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह एरिया ऑफ ट्रेपिजियम दे रखा है बी सी ई डी, इसका कितना है देखो, 24 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे बी सी डी का कितना है, 24, दोनों को जोड़ देंगे। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं ए डी ई निकालना होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो एक बार जोड़ दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस
एरिया ऑफ बी सी ई डी, ठीक है, इस वाले एरिया और इस वाले एरिया को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, पूरे का एरिया निकल जाएगा, ए डी ई का एरिया निकल जाएगा। ये कितना दे रखा है, 25, और ये कितना दे रखा है, 24। तो 25 प्लस 24 कितना हो गया, तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई आ गया। ठीक है, चलो एरिया तो निकाल लिए, अब क्या करेंगे, देखो छोटे वाले ट्रायंगल का भी एरिया पता ही है हमको, और बड़े वाला का हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, ठीक है। देखो चलेंगे अब इन ट्रायंगल ए बी सी में एंड ट्रायंगल ए डी में, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी और एंड ट्रायंगल ए डी ई। देखो दोनों में एंगल ए आ रहा है, चाहे ए बी सी में जाए या फिर ए डी ई में जाए, तो एंगल ए दोनों में आ रहा है, तो ये कॉमन हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। दूसरा एंगल कौन सा लेंगे, तो देखो ये वाला बी सी और ये वाला डी ई क्या है, पैरेलल है, तो इधर से ये वाला एंगल ए बी सी और इधर से ये वाला एंगल ए डी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और रीजन क्या होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इधर से क्या ले लेंगे, तो एंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए डी ई, और ये क्या हो जाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी, किससे सिमिलर किए, तो एंगल एंगल से कर दिए। अब जैसे ही सिमिलर किए, अब यहाँ से हम लोग एरिया ले सकते हैं, इन दोनों एरिया का रेशियो को ले सकते हैं। चलो एरिया का रेशियो को लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर, देखो ऊपर में ए डी ई है ना, तो ए डी ई के लिए ये पूरा वाला ए डी साइड ले लेंगे, और ए बी सी के लिए ये वाला ए बी ले लेंगे, ठीक है। इधर से ए डी और इधर से क्या हो जाएगा, ए बी, ये दोनों एक दूसरे का कोरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, और इनका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। देखो ए डी ई का एरिया कितना दे रखा है, तो ए डी ई का एरिया हम लोग यहाँ पे देखो निकाले हैं 49, ये वाला इधर 49 लिख लेंगे बाय ए बी सी का एरिया, क्वेश्चन में ही दे रखा था कितना, यहाँ पे देखो 25 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 25 बराबर इधर से क्या हो जाएगा, ए डी बाय ए बी। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, ए डी बाय ए बी नहीं लेंगे बाबू, ए डी बाय ए बी क्यों लेंगे, यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक हो गया मेरे से, ठीक है, ए डी बाय ए बी नहीं लेंगे, इधर से डी ई ले लेंगे, क्योंकि ये वाला दे रखा है, बड़े वाले में डी ई ले लेंगे और छोटे वाले में क्या लेंगे, तो ये वाला बी सी लेंगे, बी सी, ठीक है, क्योंकि ये हमें इसमें बी सी निकालना है इसीलिए, और डी ई देखो कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, और हमें ये बी सी निकालना है, ठीक है। चलो यहाँ से 49 बाय 25 का क्या कर दो, स्क्वायर रूट, ये वाला स्क्वायर को जब बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 14 बाय 20। 49 किसका होता है, तो 7 हो जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट 7 और 25 का स्क्वायर रूट 5 बराबर 14 बाय 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुना 20 बराबर क्या हो जाएगा, 14 गुना 5, तो यहाँ से 20 बराबर क्या हो जाएगा, 14 पंचे 70 बाय 7, और ये 10 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से बी सी कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, और यही आपको निकालना था, समझ में आया कि नहीं। तो बी सी यहाँ पे कितना आ गया, ये वाला 10 सेंटीमीटर आ गया, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 28 भी समाप्त हो गया, तो आज यही तक रखने देते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका होगा, कोशिश करते हैं कि छोटा वीडियो बनाए, लेकिन क्वेश्चन वगैरह ही इतना दे रखा होता है कि समय लग जाता है, और काफ़ी क्वेश्चन है एक चैप्टर में, शायद 44 45 क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन है टोटल, तो अभी भी और 2 3 वीडियो आएगा, कम से कम 3 वीडियो, तभी जाके ये पूरा चैप्टर समाप्त होगा। चलिए फिर, थैंक यू।